धोखा दे गई मीनाक्षी जी। वनराग चलाएगा एक नई चाल, बिकने वाला है क्या आशा भवन। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के बारे में। अनुपमा सीरियल का आज का मंगलवार का एपिसोड शुरू होगा अनुज की दर्द भरी पुकारों के साथ, और आश्रम के सभी लोग को दिखाएगा कि उसने लाखों पुकारने के बाद भी उसकी बेटी अब वापस नहीं आने वाली। अब अंदर कमरे में वो जाकर दीवार पर आद्या की तस्वीर बनाएगा जिसे अनुपमा पूरा करेगी, और अनुज और अनुपमा दोनों ऊपर वाले प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल जाए। शाह निवास में तोशु पूजा के बाद किंजल को धमकाने की कोशिश करेगा कि वो मीनू को अनुपमा से दूर रखे और उसके पास ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। मीनू और किंजल जब मार्केट जा रहे होंगे तब उन्हें वहीं पर सागर मिलेगा जो मीनू को उसका स्टेथोस्कोप वापस करेगा। मीनू खुश हो जाएगी क्योंकि वो उसका लकी स्टेथोस्कोप था। इसी के बाद इधर खुशियाँ आएंगी तो उधर अनुपमा को एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। अनुपमा को पता चलेगा कि मीनाक्षी ठग कर इंडिया नहीं आने वाली है और ना ही वो अब आश्रम को कोई डोनेशन देंगी। ये सुनते ही अनुपमा के हाथ पाँव फूल जाएंगे और वो ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि किसी तरह से इस समस्या का हल निकाला जाए। आशा भवन में सभी लोग परेशान हो जाएंगे और बाहर आश्रम के इंचार्ज राजपाल प्रॉपर्टी टैक्स वालों को लेकर आ जाए। वहीं पास में खड़ा वनराज शाह इंचार्ज राजपाल को अपने बॉस हार्दिक से बात कराएगा, और बात करते सुन वो उसके साथ एक नया शातिर चाल चलने की कोशिश करेगा। उसके पास पहुंच जाएगा वनराज शाह, समझ जाएगा कि आशा बहन ने अपने बेटे की घटिया सोच और बुरी नीयत को ध्यान में रखते हुए आश्रम उसे नहीं दिया, लेकिन अब हार्दिक किसी तरह से इस आश्रम को बेचकर इसके पैसों से ऐश करने की कोशिश में है। वनराज शाह कहेगा कि उसके पास एक कमाल की डील है और अगर राजपाल चाहे तो उस बॉस के इस आश्रम की वो पूरा कर सकता है, इसको बिकवा कर वो उसे खुश कर सकता है। राजपाल भी इस डील में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएगा और घर जाकर वनराज शाह मीठा खाने का फैसला करेगा क्योंकि उसके घर पे हाथ की तरकीब लग गई है जिसके ज़रिए वो अनुपमा को अपने घर से उखाड़ कर कोसों दूर फेंक सकता है। लेकिन इसी बीच तोशु आकर उसे ये शॉकिंग बात बताएगा क्योंकि अब वो अमीर हो गया है, तो ऐसे में संभावना है कि वनराज की बहन भी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकती हैं। ऐसा हुआ तो सबके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।